हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल बिट्टूज बायोलॉजी क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर सिक्स दैट इज़ लाइफ प्रोसेसेस उसका फर्स्ट वीडियो लेक्चर हमने देखा था जिसमें हमने ये सीखा कि व्हाट डू मीन बाय लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों के बेसिक डिफरेंसेस लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन हमने देखा दैट ऑल द activities or processes that will maintain the life or that will help to survive a living organism on this earth हम उसको क्या बोलेंगे life processes यानी जन्म से लेकर मरण तक आप जो भी कांड करोगे है ना उसको हम लोग बोलेंगे life process ठीक है जो activities हुए आपको जिंदा रखने के लिए right आफ्टर दैट वी सॉ ए बेसिक इंट्रोडक्शन टू न्यूट्रीशन की न्यूट्रिशन किसा कहते हैं द इनटेक ऑफ न्यूट्रिय न्यूट्रिय बोले तो आपका खाना है ना उसमें जो कुछ भी था कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट लिपिड विटामिन मिनरल्स तो ये सारी चीजें जब फुलफिल हो जाएंगी तो तुम्हारा जो न्यूट्रिशन वाला पार्ट है वो हो जाएगा उसमें से आप एनर्जी निकालोगे यूज करोगे उसको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए एज सिंपल इज दैट आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं अबाउट दिस दैट इज टाइप ऑफ न्यूट्रिशंस तो दो टाइप होते हैं ऑटोट्रॉफिक एंड हीट्रोट्रॉफिक ए सिंपल इज दैट दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों के इस प्रिंसिपल पर काम करते हैं एंड उसके बाद हम लोग थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल देखेंगे अबाउट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हीट्रोट्रॉफिक के बारे में उतना नहीं दिया मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है हीटर आई अग्री वो अलग टॉपिक है लेकिन अपने को ज़्यादा आज के इस वीडियो में देखना अबाउट ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन दैट इज फोटो सिंथेसिस राइट एंड इफ यू एवेज सब्सक्राइब माई चैनल येट तो जाइए सब्सक्राइब करिए क्योंकि अगर आप सपोर्ट करेंगे खूब तो मैं पढ़ाते रहूँगा ऑन यूट्यूब सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो तो चलिए डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन ठीक है तो टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में डिपेंड करता है कि कौन से बेसिस पे आप उसका क्लासिफिकेशन कर रहे हो देखो क्लासिफिकेशन करने का मतलब होता है कि अलग अलग करना सेपरेट करना ताकि उसकी पढ़ाई जो है इजी हो जाए ना टू मेक द स्टडी इजीयर एज सम्बल दैट तो नाउ आई हैव क्लासीफाइड ऑफ न्यूट्रिशन इंटू टू ऑटोट्रॉफिक एंड हीटोट्रॉफिक सो द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन यानी ये जो क्लासिफिकेशन मैंने किया किस बेसिस पे किया कौन सा पैरामीटर तो यहां पे मैं लिखता हूं एबिलिटी टू प्रिपेयर फूड क्या लिख रहा हूं मैं एबिलिटी टू प्रिपेयर फूड ये चौक मैंने थोड़ा भिगो के लिख रहा हूं बाद में थोड़ा डार्क हो जाएगा तो चिंता मत करना हो जाएगा है ना ओके okay? तो एबिलिटी टू प्रिपेयर फूड यानी क्या तुम्हारा प्लांट या फिर एनिमल या फिर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना एनी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या वो खुद का खाना खुद बना पा रहा है इफ़ यस yes, तो वो है है ये रहा ना कि भाई खुद का खाना खुद बना ले रहे हैं अगर नहीं बना पा रहा है तो हिटोट्रॉफिक है अगर फूड नहीं बना पा रहा है कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इसका मतलब ये थोड़ी कि जाएगा ऐसा नहीं होता ना ठीक है तो ऑटोट्रॉफिक ऑटो का मतलब होता है सेल्फ ठीक है ऑटो मतलब होता है सेल्फ और ऑटोट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन तो सेल्फ न्यूट्रिशन या फिर सेल्फ डिपेंडेंट आत्मनिर्भर है ना जो खुद के ऊपर ही डिपेंड करेंगे वैसे ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अब बोलोगे सर खाना तो हम भी खुद बना लेते हैं पापा ला के देते हैं सब्जी मम्मी बना लेती है तो ऐसा नहीं जो सब्जी भी आया द फर्स्ट पार्ट ऑफ फूड है ना जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फूड जो भी प्रिपेयर हो रहा है ऑन दी अर्थ वो कौन करके देगा ऑटोट्रॉफ्स जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करेंगे हम उन्हें क्या कहेंगे ऑटोट्रॉफ्स ठीक है ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स ठीक है जो खुद का खाना खुद बनाना है तो यहां पे जनरली सारे के सारे प्लांट्स हैं जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ऑल ऑफ दमर ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कुछ छोड़ के जैसे इंसेक्टिव इन्सेक्टीवॉरस प्लांट होते हैं पिचर प्लांट है ना यूँ होगा तुमने छोटा भीम में देखा होगा एक मच्छर आएगा वो बंद हो जाएगा है ना एक बार जग्गो बंदर फंस गया था उसमें ठीक है ऐसा कोई एपिसोड याद है मुझे ब्लर ब्लर सा चलिए तो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एक्सेप्शन बहुत कम है ऐसे एक दो पिक्चर प्लांट जो है वो लोग हैं बाकी सारे तो ऑटोट्रॉफिक हैं ग्रीन कलर का पेगमेंट होता है दैट इज क्लोरोफिल वो जब मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा तब आपको बता दूंगा अब जानने वाली बात यह है कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी दो टाइप का होता है कौन सा कौन सा फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक फिर से हमने क्या कर दिया क्लासिफिकेशन कर दिया बेसिस लिखना इंपॉर्टेंट है तो इसका बेसिस क्या बना होगा सोचो तो इसका बेसिस है सोर्स है ना कि कौन से सोर्स से तुम एनर्जी डिराइव कर रहे हो बिकॉज प्रिपेरेशन ऑफ दिस फूड इज नथिंग बट जस्ट द कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी क्या बोलती है जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वॉट डज इट से कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इट जस्ट गेट्स ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर ठीक है तो यहां पे भी वही होता है देखेंगे थोड़ा डिटेल में जब ऑटोट्रॉफी बताऊंगा तब अभी फिलहाल इतना समझो ऑटोट्रॉफिक डिवाइड हो गया फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक डिपेंडिंग अपॉन द सोर्स फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक मतलब खुद बना रहा है ये आपको मालूम है फोटो मतलब लाइट है ना लाइट इज वॉट नथिंग बट द रे ऑफ फोटॉन्स हम ऐसा बोलते हैं तो फोटो मतलब लाइट यानी सन लाइट से जो खाना सिंथेसिस करेगा उसको हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स एंड द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फोटो ऑटोट्रॉफिक और जो प्रोसेस है वो है फोटो सिंथेसिस ज्यादा फोटो हो गया कोई नहीं लाइक मार के छोड़ दो समझो फोटो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है प्रोसेस का नाम क्या है फोटोसिंथेसिस जो तरीका है है ना फोटोसिंथेसिस सिंथेसिस मतलब टू जनरेट टू प्रिपेयर एंड फोटो मतलब लाइट यानी लाइट की एनर्जी से तो उसने खाना प्रिपेयर किया और जो ऐसे ऑर्गेनिज्म है उसका हम बोलेंगे फोटो ऑटोट्रॉफ्स ठीक है तो यहां पे हम लोग लिख देते हैं एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स तुम्हारे जो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं जनरली वो लोग कर लेते हैं एंड कुछ कुछ बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट है दुनिया में जो ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बताते हैं सो दिस आर द एग्जाम्पल्स ठीक है स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हो गया अब देखो ऑटोट्रॉफिक में सोर्स के बेसिस एक और है कीमो ऑटोट्रॉफिक तो कीमो ऑटोट्रॉफिक कीमो स्टैंड केमिकल वहां पे फोटो था तो लाइट था यहां पे क्या है केमिकल तो देर आर सर्टेन केमिकल्स प्रेजेंट विच विल हेल्प द फूड सिंपल है कोई ना कोई बायोसिंथेसिस होगा बायो मतलब जिंदगी सिंथेसिस मतलब प्रिपेयर यानी उसके जिंदगी में या फिर उसके लिविंग ऑर्गेनिजम के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा प्रोसेस चालू होगा जिसके वजह से इट कैन बी एबल टू तो प्रिपेयर इट्स ओन फूड सिंपल तो <clears throat> कीमो मतलब केमिकल यूज करके खुद का खाना खुद जनरेट कर रहा है राइट तो उस प्रोसेस को हमने बोल दिया कीमो सिंथेसिस सिंथेसिस तो लगाना है और रॉ मटेरियल देखना है तुमको तो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल जहाँ से भी आ रहा है उसके बेसिस पे ये दो टाइप हो गए आई होप आपको क्लियर है कीमो सिंथेसिस का एग्जांपल अभी आप सोच रहे होंगे कि ऐसा तो कौन सा प्लांट है कीमो कीमो सिंथेसिस करेगा तो बेटा सोचो ओशन है है ना टाइटेनिक देखिए टाइटेनिक है ना टाइटेनिक में एक सीन आता है ऐसा तो बहुत सीन है एक सीन है जब वो दोनों गाड़ी में होते हैं स्टार्टिंग वाला स्टार्टिंग वाला पीछे नहीं जाना है ठीक है स्टार्टिंग वाले सीन में जैक ऐसा बैठा है चला रहा है टाइटेनिक मस्त मतलब वो कार चलाने की एक्टिंग करता है एंड पीछे होती है रोज हीरोइन का जो नाम है उसमें रोज़ तो जैक उसको पूछता है कि वे टू मैम यानी कहाँ जाना है आपको तो हीरोइन जो है बोलती है टू द स्टार्स ऐसा बोल के उसको खींच लेती है उसके बाद जो होता है लिविंग इट टू द इमेजिनेशन टॉपिक पे आ जाओ टू द स्टार्स बोलने के पाँच छः घंटे बाद टाइटेनिक डूब जाती है टू द बॉटम ऑफ एटलांटिक गुड हो गया एकदम जाना था स्टार्स गए अटलांटिक कौन गया सिर्फ जैक गया लड़की बच गई बाबू है ना जैक गया तो अब जो जैक जो मरा कहाँ गया होगा समुद्र में डूब के एकदम नीचे बॉटम ऑफ सी तो ये सोचो बॉटम ऑफ द सी या फिर ऐसे जो भी बड़े बड़े ओशन है जिसके एकदम बॉटम पे सनलाइट भी नहीं पहुंच रहा है ना उतनी वेवलेंथ की तो सनलाइट पहुंच भी नहीं रही वहां पे तो वहां के जो प्लांट होंगे वो लोग कैसे अपना खुद का खाना बनाएंगे जस्ट इमेजिन कैसे वहां पर तो सनलाइट नहीं पहुंच रहा फोटो तो गया उनका तो बचा क्या की तो जो सी वाले प्लांट होते हैं ठीक है जो कोरल्स हैं एकदम अंदर अंदर ठीक है तो सी प्लांट्स जो छोटे छोटे प्लांट होते हैं वो लोग कीमोसिंथेसिस कर सकते हैं क्लियर सबको ओके तो आई होप द फोटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रोफिक इज क्लियर टू यू गाइज मूविंग टू द नेक्स्ट हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हीट्रो बोले तो क्या डिपेंडिंग अपॉन अदर्स है ना हीट्रो मतलब अदर्स अब इनका खाना दो टाइप का हो सकता है एक खाना होता है जो है स्टेशनरी uh, स्टेशनरी का मतलब एक ही जगह पे जैसे घास घास तुम्हारे पास चल के नहीं आएगी बकरी को खुद जाना पड़ेगा घास के पास सिंपल है तो उसको अपने बोलते हैं स्टेशनरी फूड एक होता है मोबाइल फूड जैसे आ, शेर है शेर शिकार करने गए ठीक है तो डियर या फिर बफेलो जो भी जिसको भी वो खा रहा है पकड़ के उसका शिकार करने के लिए उसको उसके पीछे भागना पड़ेगा और वो भी भागेगा ऐसा खड़ा थोड़ी रहेगा कि आओ शेर गले लग जाओ मोहब्बत करते हैं ऐसा नहीं हो रहा भाई ठीक है तो अदर्स के ऊपर डिपेंड है फूड के दो टाइप होते हैं एक स्टेशनरी फूड होता है और एक मोबाइल फूड होता है क्लियर है डिपेंडिंग अपॉन अदर्स ये तो पक्की बात है फिर हम लोग इसके एक एक टाइप देखते हैं सबसे पहले आ जाओ होलोजॉइक पे होलोजॉइक मतलब क्या होता है द होल फूड इज टेकन इन साइड द बॉडी ठीक है क्या होता है फूड इज टेकन इन साइड द बॉडी इन साइड द बॉडी एंड देन डाइजेस्टेड ठीक है यानी जो भी प्रोसेस है केमिकल वो फूड खाने सॉरी वो जो फूड है तुम्हारा बॉडी अंदर बॉडी के अंदर जाने के बाद स्टार्ट होता है बाहर से कुछ नहीं कर रहे जैसे अगर आपको रोटी खानी है रोटी में आपको पता स्टार्च है उसका आपको ग्लूकोज बनाना है सिंपल है तो आप बाहर ग्लूकोज बना के फिर उसको नहीं चूचना बैठने वाले सिंपल सी बात है आप पहले रोटी को खाओगे इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च ओनली तुम्हारे बॉडी के अंदर जाएगा और फिर उसका कन्वर्जन स्टार्ट होगा सिंपल है? तो वैसे यहाँ पे भी हो रहा है ठीक है होलोज मतलब द होल फूड इज टेकन इन साइड द बॉडी एंड देन डाइजेशन स्टार्ट पैरासाइटिक पैरासाइटिक मतलब खून चूसने वाले जो पैरासाइट्स अपने बोलते हैं वो जिस ऑर्गेनिज्म के ऊपर जाके फीड करेंगे दोस्त ऑर्गेनिज्म आर नॉन इज द होस्ट ऑर्गेनिज्म उनको क्या बोलते हैं होस्ट लेकिन क्या ये होस्ट उनके लिए दोस्त है जी नहीं नहीं है क्यों क्योंकि ये लोग सिर्फ उसका खाना नहीं खा रहे उसको डैमेज भी दे रहे जैसा मच्छर आया हमको काट के भाग गया ठीक है तो क्या हो गया उसको खून उसका मिल गया और हमारे यहाँ पे सूजन आ गई और अगर डेंगू मलेरिया देखे गया फ्री में तो वो अलग तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट हो जाएगा वो है ना तो मच्छर ने हमें काटा ये उसका जुनून था हमने खुझाया ये हमारा सुकून था हम मारने भी नहीं गए उसको छोड़ दिया क्यों क्योंकि उसके रगों में हमारा खून था सिंपल है ना तो फिर छोड़ दिया उसको तो इसको बोलते हैं पैरासाइट पैरासाइट होते हैं दो प्रकार के एक होता है बॉडी के बाहर दैट इज़ कॉल्ड एक्टो पैरासाइट एक होता है बॉडी के अंदर जिसको बोलते हैं एंडो एंडो बोले तो अंदर तो कुछ पैरासाइट हमारे बॉडी के अंदर भी रहते हैं सम ऑफ द इंडस्ट्रियनल वॉम्स ऐसे बहुत सारे पैरासाइट्स हैं जो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं ठीक है उनको डैमेज भी देते हैं और खाना भी खा लेते हैं ठीक है ऐसे लोग हैं ये लोग नहायती बेश शर्म सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सैप्रोफाइटिक सैप्रोफाइटिक बोले तो डिपेंडिंग अपॉन यहां लिख रहा हूं मैं डेड एंड डीकेंग ऑर्गेनिक मैटर ऐसा समझ जाऊं डेड मतलब मरे हुए सड़े हुए खाने को ये लोग खाएंगे डेड एंड डीकेंग ऑर्गेनिक मैटर जैसे पत्ते गिर गए झड़के तो उसके ऊपर कोई ना कोई तो खाई लेगा फंगस है मशरूम है ऐसा बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है विच डिपेंड अपॉन डेड एंड डीकेंग ऑर्गेनिक मैटर फॉर देयर फूड और न्यूट्रिशन क्लियर सबसे मस्त है सिम्बायोटिक एकदम सुहाना सा है क्यों एकदम मीठा मीठा रिलेशनशिप है भाई एकदम मीठा कतई जहर क्यों सिम बायोटिक दे विल डू सिम बायोसिस ना वॉट डू मीन बाम बायोसिस सिम बायोसिस मतलब समझो एक कपल है जैसे तुम्हारे मम्मी पापा ठीक है मम्मी क्या करेगी मान लो मम्मी हाउस वाइफ है और पापा वर्किंग मैन है तो पापा पैसे ला के देंगे मम्मी को मम्मी खाना बनाएंगी लेकिन खाएंगे दोनों है कि नहीं दोनों खाएंगे ऐसा तो नहीं मम्मी ने बोला कि मैंने बनाया मैं क्यों तुमको दूँ या फिर पापा बोलेंगे मैंने कमाया मैं क्यों तुझे दूँ ऐसा नहीं है दोनों के एक दूसरे से एडवांटेज है और दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे दोनों साथ में रहेंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेम बायोटिक रिलेशनशिप तो कुछ कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको न्यूट्रिएंट्स मिलते नहीं है सॉइल से जल्दी और उनको डिराइव करना पड़ता है जैसे नाइट्रोजन है नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए बैक्टीरिया चाहिए या तो कोई ना कोई फंगस चाहिए है ना तो नाइट्रोजन इज एन एसेंशियल मिनरल जो चाहिए तुम्हारे प्लांट को यहाँ से तो मिल नहीं रहा प्लांट ले ही नहीं पा रहा उसकी औकात ही नहीं है तो क्या करेगा फंगस की मदद लेगा कि हे फंगस आप मुझे न्यूट्रियंट लेके दो मैं तुम्हें फोटोसिंथेसिस करके खाना बना के देता हूँ साथ में खाएंगे वॉट इज द इशू नो इशू सो so, ये लोग काम कर लेंगे अपना तो सिम्बायोटिक मतलब होता है म्यूचुअल डिपेंडेंसी यानी हाथ से हाथ मिलेगा तो काम बनेगा सिंपल तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप वही होता है लेकिन डिपेंड तो कर रहा है दूसरे पे इसीलिए हम इसको बोलते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन सो आई होप अब तक आपको ऑटोट्रॉफिक एंड हीट्रोट्रॉफिक बखूबी समझ में आ गया होगा नाउ एक और है क्या सोचा आपने कभी कि कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म हो जो ऑटोट्रॉफिक भी करे और हिट्रोट्रॉफिक भी करे दोनों फिर तो ये वाला सीन हो गया ना अहम ब्रह्मास्मि है ना मैं ही हूँ तो है ऐसा ऑर्गेनिज्म एक्चुअली और अगर ऑटोट्रॉफिक भी कर रहा है हीट्रोट्रॉफिक भी कर रहा है यानी दोनों मिक्स कर रहा है तो ऐसे न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं बेटा मिक्सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या बोलते हैं मिक्सो मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिक्सो का मतलब होता है जब जब लाइट की अवेलेबिलिटी है वो करेगा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगर लाइट चला गया और बाद में उसको फूड लेना है तो वो करेगा हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आया लाइट है तो ऑटो नहीं है तो हीटर सिंपल तो उसका एग्जाम्पल है युगलिना क्या है यूगलिना उसका एक बेहद ही खूबसूरत सा डायग्राम था आपके नाइन्थ स्टैंडर्ड की बुक में कोई बात नहीं अभी उसको बनाने का कोई मतलब नहीं है तुम्हारे बुक में है भी नहीं बस मेरे मन में आया तो मैंने बता दिया सुनना है तो ले लो नहीं तो कोई बात नहीं वैसे भी एग्जाम में तो पूछाने वाला है नहीं ठीक है सिंपल है सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू गाइज ऑटोट्रॉफिक एंड हीटोट्रॉफिक हमने डिटेल में देख लिया इससे ज्यादा आपको कुछ काम है भी नहीं देखने का नाउलेट्स चेकआउट द ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन डिटेल कि भाई क्या प्रोसेस है कैसे हो रहा है एंड वट आ द थिंग्स गिवन इन इट ओके तो चलिए देखते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को डिटेल में है ना अब मैंने आपको समझा दिया कि ऑटो मतलब सेल्फ ट्रॉफिक मतलब न्यूट्रिशन सेल्फ न्यूट्रिशन कर रहे हैं और इसीलिए हमने उनको बोल दिया ऑटोट्रॉफिक सारे ग्रीन प्लांट्स करेंगे और कुछ बैक्टीरियाज लाइक साइनो बैक्टीरिया ब्लू ग्रीन आल्गी ये लोग भी कर सकते हैं बिकॉज उनके पास क्लोरोफिल है ठीक है चलिए अब हमको देखना स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस ठीक है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन किस चीज से हो रहा है हम लोग कीमोसिंथेसिस के बारे में तो नहीं जा रहे डिटेल में आपके बुक में दिया अबाउट फोटोसिंथेसिस तो अपने वही देखेंगे तो फोटोसिंथेसिस को अगर मुझे डिफाइन करना तो मैं कैसे करूंगा द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर चार रॉ मटेरियल्स हैं आफ्टर दैट द फूड दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस क्लियर है क्या कहा मैंने फिर से रिपीट करते हैं द मैथड ऑफ प्रिपेरेशन ऑफ फूड बाई द प्लांट्स यूजिंग और इन द प्रेजेंस ऑफ सॉरी यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल सनलाइट और क्लोरोफिल होना चाहिए वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनको चाहिए मंगता है तो ये फूड तुम्हारा बनता है सिंपल ओके okay. चलो अब देखते हैं फोटोसिंथेसिस के स्टेप्स तो द वेरी फर्स्ट स्टेप इज सपोज ये तुम्हारा प्लांट है ठीक है बना देते हैं बेसिक सा प्लांट और ये तुम्हारा ऊपर सन है यही रहा सन ऐसा ही होता है ठीक है अब ये सन क्या करेगा सनलाइट देगा बट ऑब्वियसली यही तो काम है उसका एक है ना सनलाइट देगा वो अपने को तो सनलाइट मिल रहा है प्लांट को बराबर से ठीक है और प्लांट जो है सनलाइट ले रहा है खूब ठीक है अब होगा क्या सी तो सबसे पहले सनलाइट आ रहा है तो सनलाइट आके निकल जाएगा देखो अगर तुम लोग धूप में से जाके खड़े हो जाओ धूप तो कोई एनर्जी नहीं मिल रही क्यों क्योंकि अपने सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप कर ही नहीं सकते विटामिन डी बनता है बॉडी में वो बात अलग है कुछ टाइम पीरियड तक है ना लेकिन अपना खाना नहीं बन रहा बट जो प्लांट है इट कैन एक्चुअली ट्रैप द सनलाइट ठीक है तो होता कैसे तो वो करता है एब्जॉर्ब तो हम लिखेंगे एब्जॉर्ब्शन ऑफ सनलाइट एब्जॉर्ब्शन ऑफ सनलाइट कौन करेगा एक ही तो पिगमेंट है सनलाइट बाई क्लोरोफिल तो क्लोरोफिल का काम क्या है दो काम है उसके सबसे पहला काम कि जो प्लांट के लीव को ग्रीन कलर देना है दैट विल बी गिवन बाय क्लोरोफिल दूसरा काम है कि एब्जॉर्ब्शन ऑफ सनलाइट या तो फिर ट्रैपिंग ऑफ सनलाइट हम बोल सकते हैं ट्रैप कर देगा सनलाइट को जाने नहीं देगा ठीक है अब सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लिया क्या करेंगे उसको रखे रहेंगे नहीं उसका कन्वर्जन करेंगे देखो लाइट आके गिरी है तो एनर्जी कौन सी होगी लाइट एनर्जी लेकिन प्लांट को क्या करना है केमिकल प्रोसेस करना है तो कौन सी एनर्जी चाहिए होगी बहुत बढ़िया केमिकल एनर्जी है ना तो लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होना चाहिए इंटू केमिकल एनर्जी तो सेकंड स्टेप वही होगा ना तो सेकंड स्टेप इज कन्वर्जन ऑफ कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी है ना लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दिया केमिकल एनर्जी में थर्ड स्टेप आ, ओके चलो आपने ये नहीं पूछा कि सर ये जो लाइट एनर्जी को इसने कन्वर्ट किया केमिकल एनर्जी में इसको यूज़ कहाँ करेगा तो इसको यूज़ करेगा वो फॉर फोटोलिसिस किसके लिए यूज़ करेगा फोटोलाइसिस फोटोलाइसिस बोले तो क्या तो देखो फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में और लाइसिस मतलब ब्रेकिंग डाउन यानी वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन करेगा यानी फोटो मतलब लाइट है लाइसिस मतलब ब्रेक डाउन है तो लाइट एनर्जी को यूज करके ब्रेक डाउन कर रहे हैं किसका कर रहा है तो वाटर का तो फोटोलिसिस ऑफ एच टू विल टेक प्लेस ओवर हीयर ठीक है फोटोलिसिस ऑफ एच टू ओ जो वाटर मॉलिक्यूल इसने लिया है सॉयल में से उसको ये ब्रेक डाउन कर देगा और फिर उसका करेगा क्या तो वो कर देगा रिडक्शन क्या कर देगा रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट ठीक है रिडक्शन करके क्या बना दिया इसने कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट का मतलब मैंने आपको बताया था जिसमें कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों हो है ना तो उसको अपने क्या बोलते हैं रिडक्शन सॉरी कार्बोहाइड्रेट और रिडक्शन क्यों बोल रहे हैं क्योंकि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हाइड्रोजन हो गया यहाँ पे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखो किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन ऐड होता है तो अपने बोलते हैं ऑक्सीडेशन और किसी भी मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन ऐड होता है तो बोलते हैं रिडक्शन सिंपल है हाइड्रोजन ऐड हुआ रिडक्शन ऑक्सीजन ऐड हुआ ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्या ऐड हो रहा है हाइड्रोजन तो अपने क्या बोल दिया उसको रिडक्शन इसीलिए तो इसको तोड़ा था एच टू को जो तोड़ा उसमें से क्या निकालना अपने को हाइड्रोजन ही तो चाहिए अब देखो ये जो केमिकल प्रोसेस है ये हुआ कैसा होगा दिखने में कैसा होगा बेहद ही सुंदर वो तो होना ही था बेटे लेकिन कैसा एग्जैक्टली exactly कैसा तो देखो अपने ने लिया था सी ओ टू सी ओ टू लिया था ये मैं भिगोए हुए चौक से लिख रहा हूँ आपको दिखेगा थोड़ी देर में सीओ टू लिया था और पानी लिया था है ना स्टार्टिंग में ये क्या था आपने कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या देगा तुमको ग्लूकोज देगा दैट इज द कार्बोहाइड्रेट फर्स्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट विल बी फॉर्म्ड ओवर हियर स्टार्च वाच तो बाद में बनाएगा वो सी सिक्स एच ट्वेल ओ सिक्स दिस इज द फॉर्मूला प्लस बाई प्रोडक्ट में क्या क्या देता है वो कार्बन <coughs> डाइऑक्साइड लिया तो ऑक्सीजन देगा एंड क्योंकि उसने बहुत सारा पानी पी लिया तो पानी छोड़ भी देगा चलिए पानी वाला मैं आपको बाद में समझाऊंगा ये तो रिएक्शन आपको बैलेंस करते आएगा ही नहीं कभी जिंदगी में बाद में समझेंगे कोई दिक्कत नहीं ठीक है चलिए एंड ये जो रिएक्शन है किसके प्रेजेंस में हो रहा है तो आपको पहले चाहिए आपका सनलाइट प्यारा सा और आपको चाहिए क्लोरोफिल है ना ग्रीन पिगमेंट इन दोनों के प्रेजेंस में ये रिएक्शन होना मांगता है ठीक है चलो सी ओ टू एच टू ओ क्या दे रहा है ग्लूकोज ग्लूकोज का एक ही मोल आएगा तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं लिखा है एंड बाय प्रोडक्ट दे रहा है तुमको ओ टू ऑक्सीजन सिंपल है समझ में आया अब देखो बैलेंस कैसे करते हैं यहाँ पे कार्बन कितना है छः कार्बन छः कार्बन है यस और नो यस छः कार्बन दिख रहा है सबको सी सिक्स यहाँ पे कितना कार्बन कुछ नहीं है कुछ ने लिखा मतलब वन जीरो नहीं करना है उसको वन एक कार्बन है कितना कार्बन कम पड़ रहा है देखो यहाँ पे छः कार्बन है इधर सिर्फ एक ही कार्बन है ये कोई बात हुई भला कोई सेंस इस बात की एक कार्बन लेके छः कार्बन कौन देगा कोई नहीं देगा तो अपने को रिएक्शन बैलेंस करना है तो यहाँ पे भी मैं लिख दूंगा सिक्स अगर मैं वहाँ पे सिक्स लिख दूँगा और अगर यहाँ पे वन हो हाइपोथेटिकली सोचो तो सिक्स वन जो सिक्स ही होगा ठीक है तो ऐसे आपका बैलेंस हो गया क्या क्या बैलेंस हो गया आपका कार्बन बैलेंस हो गया अब गिनो ऑक्सीजन ठीक है ऑक्सीजन कितना हो रखा है या तो फिर हाइड्रोजन गिन लो चलो हाइड्रोजन गिनते हैं ज्यादा मजा आएगा हाइड्रोजन कितना है ट्वेल्व ये सिक्स था ये कितना है ट्वेल्व है यहाँ पे कितना हाइड्रोजन है सिर्फ दो तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा जिससे सिक्स सॉरी जिससे टू को मल्टीप्लाई करके ट्वेल्व आ जाएगा यहाँ पे ट्वेल्व दिया है समझ में आया बारह हाइड्रोजन इधर सिर्फ दो है यहाँ पे मैं कितना मोल लिखूंगा तो मुझे ट्वेल्व मिलेगा सिक्स लिखूंगा तो सिक्स लिख दिया सिक्स टू जो ट्वेल्व हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया इस पूरे साइड ये जो है प्रोडक्ट वाला साइड और ये है रिएक्टेंट वाला साइड है ना सबस्ट्रेट तो सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट सेम होना चाहिए अमाउंट कभी नहीं बढ़ता है तेजी बढ़ सकती है अमाउंट नहीं बढ़ता रिएक्शन का ठीक है तो यहाँ पे बारह हाइड्रोजन है इधर भी बारह हाइड्रोजन हो गया सिक्स टू जो ट्वेल्व मेरा रिएक्शन तो बैलेंस हो गया ये तो गुड हो गया एकदम ठीक है अब गिनो ऑक्सीजन कितना है हाउ मच हाउ मच ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन यहाँ पे है सिक्स टू जो ट्वेल्व बारह ऑक्सीजन है छः दो बारह और यहाँ पे सिक्स वन जा सिक्स यहाँ पे कुछ नहीं मतलब वन होगा सिक्स वन जो सिक्स तो बारह और छः टोटल ऑक्सीजन कितने इस साइड एटीन अठारह ऑक्सीजन मेरे इस साइड है तो यहाँ पर अट्ठारह करना है मुझे देखो इसके साथ तो कुछ छेड़ नहीं सकते ये बैलेंस है ये बैलेंस है आगे कुछ उंगली करनी नहीं है तो यहाँ पर छः ऑक्सीजन है ओके सिक्स यहाँ पे है तो इधर मैं कितना डालूंगा तो मुझे एटीन करना पड़ेगा सी यहाँ पर एटीन है यहाँ पे छः है कितना कम पड़ रहा है बारह कम पड़ रहा है सिंपल है तो बारह बनाने के लिए यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिक्स तो सिक्स टू जो ट्वेल्व ट्वेल्व प्लस सिक्स एटीन इधर एटीन इधर एटीन एकदम गुड हो गया तुम्हारा रिएक्शन इज बैलेंस्ड ओके लेकिन अब जो तुम्हारा टेक्स्ट बुक में इक्वेशन दिया है दैट इज कंसिडरिंग द मोर अमाउंट ऑफ वाटर हैज बिन टेकन बाई द प्लांट प्लांट थोड़ा ज्यादा पानी पी लिया तो मान लेते हैं यार हाइपोथेटिकली कि तुम्हारे पास या फिर जो भी तुम्हारा प्लांट है उसने डबल पानी पी लिया तुमने दिया है छ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कोई दिक्कत नहीं उसका डबल कर दो बारह कर दो ठीक है क्या कर देंगे यहाँ पे ट्वेल्व ट्वेल्व कर दिया सिंपल है अब कितना हाइड्रो कितना वाटर तुमने ज्यादा डाला पहले छः था तुम छः एक्स्ट्रा ले आए तो बस यहाँ पे उस छः एक्स्ट्रा को सिंपली ऐसा लिख दो सिक्स एच टू ओ बात खत्म रिएक्शन अभी भी बैलेंस है है ना दोनों ही क्वेश्चन सही है अगर आप ये नहीं भी लिखते हो तो भी चलेगा लिख देते हो तो भी चलेगा टेक्स्ट बुक में ये वाला रिएक्शन दिया है जिसमें ये भी है ये भी है और ये भी है है ना इसलिए मैंने तुमको दो दोनों तरीके से बता दिया आई होप आपको जो बैलेंस करने वाला चीज़ हो समझ में आया होगा नहीं आया तो फिर से वीडियो को थोड़ा पीछे वाले लूप में जाके देखना स्लोली आ जाएगा समझ में कोई दिक्कत नहीं है ठीक है मैंने सिर्फ आपको ये बताया कि अगर तुमको पानी एक्स्ट्रा निकालना है यहाँ पे तो कैसे करोगे तो छः मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ज़्यादा डाल दो और यहाँ पे छः मॉलिक्यूल निकाल दो बाकी सब कुछ तुम गिन लेना फिर से जैसा मैंने गिना था सब कुछ सेम ही आएगा राइट आ, ये सारे नंबर मिटा देता हूँ कन्फ्यूजन हो जाएगा आपको नहीं तो अब हमको ये भी देखना है कि स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है हर एक का स्टेट्स ऑफ मैटर क्या है सो दिस सी ओ टू इज़ इन गैसियस फॉर्म ये कौन सा फॉर्म है गैस कार्बन डाइऑक्साइड को गैस के फॉर्म में लिया था एच टू इज़ इन लिक्विड फॉर्म एंड जो तुम्हारा ग्लूकोज बना मेन प्रोडक्ट दैट इज इन एक्वस फॉर्म ये तुम्हारा मेन प्रोडक्ट है सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स दैट इज ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन हमारा गैस फॉर्म में निकलेगा और एच टू जो है ये भी गैस फॉर्म में निकलेगा दिस इज इंपॉर्टेंट लिया था तुमने लिक्विड में निकलेगा वो गैस में किस फॉर्म में गैस में पानी कैसे बनता है वाटर वेपर सो वाटर वेपर इज़ समथिंग दैट विल बी रिलीज बाय द एरी पार्ट्स ऑफ द प्लांट क्या कहा मैंने ये जो एच टू है एरी पार्ट ऑफ द प्लांट से निकलेगा एरी पार्ट मतलब लीफ लीफ तुम्हारा पानी छोड़ देगा इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं हम लोग कहते हैं ट्रांसपीरेशन क्या कहेंगे ट्रांसपीरेशन यानी इवोपरेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरी पार्ट्स ऑफ द प्लांट इवॉपरेशन ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम द एरी पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज नोन एज वॉट ट्रांसपीरेशन क्यों कर रहे हैं बिकॉज leads लीड्स द कूलिंग इफेक्ट ये आपने साइंस में पढ़ा होगा जो गर्मियों के दिनों में आ, मिट्टी के मटके में पानी रखते हैं तो क्या होता है वो जो पानी है थोड़ा सरफेस पे आ जाता है छोटे छोटे पोर्स होते हैं और उससे अगर पानी बाहर जाएगा उड़ते उड़ते तो टेम्परेचर रेगुलेट होता है वहाँ पर और जो तुम्हारा मटका है उसके अंदर का पानी ठंडा ठंडा रहता है सिंपल है नहीं समझ में आए तो इतना मत सोचो बस ऐसा याद कर लेना पानी छोड़ दिया उसने मुंह दिया प्लान ने तुम्हारे सुसु कर दिया हवे में चला गया वो ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहा है ट्रांसपीरेशन ऑफ दिस वाटर अब ये क्यों करता है प्लांट क्योंकि इट हैज़ टू रेगुलेट इट्स बॉडी टेम्परेचर अब तुमने देखा होगा वीडियो में मैं बहुत पसीना छिड़ा कर रहा हूँ है ना क्यों क्योंकि खून में तेरी मिट्टी मिट्टी में तेरा खून ऊपर सूरज नीचे गर्मी कहाँ है मेरा सुकून हे भगवान ठीक है ये हाल है इस साल बहुत गर्मी है भाई तबाह ही है ना और वीडियो रिकॉर्ड करते रहे अगर पंखा चला दिया तो आवाज़ हो जाएगा वो तो गुड होगा नहीं कभी ठीक है तो इसीलिए चलो तो जब प्लांट को गर्मी लगेगी वो क्या करेगा ट्रांसपीरेशन कर देगा अपना जो है बॉडी का सारा हीट रिलीज करने के लिए छोड़ देगा पानी अब छोड़े तो छोड़े कैसे वट इज द मैकेनिज्म ये समझना इंपॉर्टेंट है बाबू देखो कार्बन डाइऑक्साइड वो लेगा कहाँ से एटमोसफियर में से कहाँ से लेगा वो एटमोस्फियर एटमोसफियर में से उसने कार्बन डाइऑक्साइड उठा लिया एच टी ओ कहाँ से लेगा वो सॉइल में से पानी कहाँ से ले रहा है सॉइल में से ठीक है प्लांट ने पानी पिया ऐसे के पानी पानी हो गया है ना ऐसा फोटोसिंथेसिस किया ग्लूकोज तो उसका मेन प्रोडक्ट है एंड ग्लूकोज को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च फिलहाल यहाँ पे मैं ग्लूकोज लिखता हूँ नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे ग्लूकोज को स्टोर कैसे कर देगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च बाद में कभी यूज़ करने के लिए कि कभी आगे जाके जरूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे ऑक्सीजन ये तो ये रिलीज़ कर देगा बाई प्रोडक्ट है और एचो भी ये बाई प्रोडक्ट की तरह रिलीज कर देगा ठीक है अब जो इसने सीओ टू अपने बॉडी के अंदर लिया कैसे लिया तो बाई स्टोमेटा नाउ वॉट डू यू मीन बाई स्टोमेटा स्टोमेटा है क्या तो देखो स्टोमेटा आर द स्मॉल स्मॉल पोर लाइक स्ट्रक्चर्स क्या है ये लोग पोर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं प्रेजेंट इन द प्लांट प्लांट के लीफ के ऊपर छोटे छोटे स्टोमेटा होते हैं छोटे छोटे छेद होते हैं जो आपको दिखेंगे भी नहीं ठीक है इसका मैकेनिज्म क्या है सपोज मैं फिर से वही वाले से बना रहा हूँ भिगोए हुए चौक से मज़ा आ रहा है मेरे को पता नहीं क्यों ठीक है ये आपका स्टोमेटा है यानी पोर है लीफ के ऊपर इसके इसका जो लीफ भी बनाना पड़ेगा ना चलो कोई नहीं मेरा थोड़ा अलग कलर का लीफ है डिजाइनर वाला महंगे वाला लीफ ठीक है मैं बना रहा हूँ अपना बोर्ड है अपनी मर्जी जो करना है करो तो देखो ये है और यहाँ पर छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट भी बना देते अपन क्लोरोप्लास्ट मतलब क्या होता है भाई क्लोरोप्लास्ट आर दी ऑर्गेनल्स विच हैव क्लोरोफिल सिंपल तो क्लोरोफिल जो पिगमेंट है कहीं कही ना कहीं तो रहेगा तो रहेगा क्लोरोप्लास्ट के पास अब देखो हुआ क्या सी दिस इज माइस स्टोमेटा ये जो पोर है ना दिस दिस इज वॉट स्टोमेटा ये मेरा है स्टोमेटा स्टोमेटा है ये तब खुलेगा जब यहाँ पे पानी ज़्यादा होगा क्या होगा एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर तो जब यहाँ पे वाटर है ठीक है यहाँ पे क्या है मेरा वाटर इंक्रीज हो रहा है वाटर का अमाउंट इंक्रीज हो रहा है सो इट विल स्वेल और जब इसकी स्वेलिंग हो जाएगी तो ये हो जाएगा ओपन और जैसे ही ओपन हुआ सी अंदर घुसेगा क्या घुसा सी अंदर घुसा ओ बाहर निकलेगा और उसके साथ साथ पानी भी बाहर निकल जाएगा गैशियस फॉर्म में बात आई समझ में ओके आई होप इट इज क्लियर सी टू अंदर घुसा ओ टू बाहर निकला देख लो सी टू को अंदर जाना है इसके अंदर जाएगा ओ टू को बाहर निकलना है इसके बाहर निकलेगा सिंपल है इतना समझ में आ गया लेकिन पानी भी तो ज्यादा बढ़ गया अब जो पानी बढ़ गया वो एच टीओ बाहर निकाल देगा आया समझ में तो इस तरह से ये लोग करते हैं ट्रांसपीरेशन फिर बंद कब होगा बंद तब होगा जब एच टीओ का लेवल कम हो गया तब वो क्या हो जाएगा श्रिंक है ना इफ इट श्रिंक्स देन इट विल क्लोज क्या क्लोज तो तुम्हारा स्टोमेटा ठीक है तो जैसे स्टोमेटा क्लोज हो गया तो गैश एक्सचेंज भी रुक जाएगा ठीक है तो स्टोमेटा का फंक्शन क्या है गैश एक्सचेंज एंड द रिलीज ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ठीक है यानी ट्रांसपिरेशन तो गैश एक्सचेंज कर रहा है और ट्रांसपिरेशन कर रहा है राइट सो आई होप द स्टोमेटा इज क्लियर टू यू एंड द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज रेगुलेटेड बाई गार्ड सेल्स है ना वॉचमैन है ये लोग गार्ड सेल्स ये जो ये लोग सारे सेल्स हैं दीजा वर्ट गार्ड सेल्स तो गार्ड सेल्स होता है विच विल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टोमेटा यहां लिखा है मैंने अब समझ जाना टोमेटा गार्ड सेल्स मतलब ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ टोमेटा टोमेटा का गेट ओपन करना है क्लोज करना है यह किसके हाथ में है गार्ड सेल्स के हाथ में ठीक है सो दिस इज ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटो सिंथेसिस आई थिंक इट मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर टू यू बाई नाउ आप लोग इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं स्टूडेंट्स ओके चलिए तो एक बात तुमसे मुझे पूछनी थी क्या जरूरी है कि ये तीनों प्रोसेस एक के बाद एक हो ही जाए यानी क्लोरोफिल ने सनलाइट को ट्रैप कर दिया कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी भी हो गया फोटोलिसिस भी कर दिया और तुरंत ही रिडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट हो जाए मैं ऐसा क्यों पूछ रहा हूँ क्योंकि देखो तुमको अभी मैंने क्या सिखाया है मैंने सिखाया कि स्टोमेटा अगर खुल जाएगा तो ओटो सीओटो तो होगा वो तो होना ही था लेकिन उसके साथ साथ वाटर भी तो निकल रहा है यही तो नहीं करना है अब वाटर निकले तो किसको दिक्कत नहीं होगी टेरेस्ट्रियल प्लांट को आप समझ पा रहे हो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना एकदम गुड हो जाएगा थोड़ी देर में है ना समझना है ना क्या हो रहा है एच टू ओ जो निकल रहा है दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर टेरेस्ट्रियल प्लांट क्योंकि तुम तो जाके पानी दे रहे हो अर्पण कर रहे हो या तो अंडरग्राउंड वाटर भी है वहाँ पे तो वो ले लेगा पानी ना एक बार ऊपर से पानी उड़ गया तो इट विल अगेन टेक द वाटर दैट इज़ नो बिग डील लेकिन जो डेजर्ट प्लांट है या फिर ऐसे एरियाज़ जहाँ पे पानी की कमी है थोड़ा सा ड्रॉट वाला कंडीशन है तो वहाँ का प्लांट क्या करेगा मर जाएगा इतनी आसानी से तो नहीं है ना डेजर्ट में भी कैक्टस होता है बहुत सारे प्लांट होते हैं तो वो लोग कैसे नहीं मर रहे क्योंकि तुमने सीखा ना सी ओ टू लेना है स्टोमेटा खोलना ही पड़ेगा स्टोमेटा खोल जाए तो पानी उड़ जाएगा उसके पास तो पानी है नहीं उड़ाने के लिए आप लोग बोलोगे सर थोड़ा कम पानी उड़ाएगा ऐसा उसके हाथ में नहीं होता भाई वो तो उड़ाएगा जितना सीओ लेगा उतना पानी उसको देना पड़ेगा बाहर बताओ कैसे हाउ हाउ इज़ इट गोना डू दिस फोटोसिंथेसिस थोड़ा सोचो इसके बारे में पाँच छः सेकेंड ऐसा मेरी शक्ल देखते देखते सोच लो क्या करेगा स्टेप समझो ट्रैप करने के लिए अब देखो मैं तुमको इसका आंसर बता देता हूँ चलो वीडियो लंबा हो जाएगा नहीं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल क्लोरोफिल को सनलाइट को ट्रैप करने के लिए स्टोमेटा खुलने की जरूरत है नहीं है तो वो दिन में कर सकता है कर सकता है क्योंकि सनलाइट तो दिन में ही आएगा ना ये क्या बात हुई है ना कोई सेंस है इस बात की नहीं तो दिन में करेगा कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इंटू केमिकल एनर्जी इसके लिए क्या स्टोमेटा खुलना चाहिए नहीं कन्वर्जन ही करना है ना बॉडी के अंदर हो जाएगा एंड फोटोलिसिस ऑफ वाटर क्या उसके लिए स्टोमेटा खुलने की जरूरत है नहीं फोटोलिसिस करना है अंदर ब्रेक डाउन करना है पानी का वो तो कर लेगा और पानी वैसे भी रूट से आ रहा है स्टोमेटा से थोड़ी ना आ रहा है अब बात आई समझ में

दिन में ये दोनों स्टेप कर लेंगे सनलाइट को एब्सॉर्ब कर लिया पानी के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर दिया और बीच में रिएक्शन के बीच में कहीं पे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बना के रखेंगे इंटरमीडिएट मतलब बाद में उसका कन्वर्जन हो सकता है इंटू ग्लूकोज ठीक है लेकिन वो बाद वाला टाइम कब वा आएगा रात को जब दिन में उन्होंने सनलाइट ले लिया फोटोलिसिस कर दिया दिन में एनर्जी चाहिए थी उन्होंने ले लिया रात को लोग अपना स्टोमेटा खोलेंगे क्यों रात को क्योंकि रात को सनलाइट है नहीं रात को सनलाइट नहीं है मतलब टेम्परेचर ज्यादा नहीं है टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है मतलब पानी वो खींचेगा नहीं बार पानी नहीं खींचेगा तो पानी जाएगा बच और हो जाएगा गुड ठीक है आया समझ में ओके सो द प्लांट विच आर प्रेजेंट इन डेजर्ट और विच हैव लेस अमाउंट ऑफ वाटर इन दन और दे के नॉट अफोड लूजिंग वाटर फॉर दिस ट्रांसपिशन एंड ऑल सो व्हाट दे विल डू इज दे विल प्रिपेर एन इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ड्यूरिंग द टाइम आफ्टर ऑप्टरिंग द एनर्जी फ्रॉम द सनलाइट एंड दैट इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द रियल प्रोडक्ट और द मेन प्रोडक्ट ज्यूरिंग द नाइट टाइम लाइक वाइज इन डेजर्ट प्लांट्स ओके सो आई होप आपको इतना लॉजिक समझ में आ गया होगा ठीक है फिर भी अगर कोई डाउट दिक्कत समस्या परेशानी शंका हो तो कमेंट सेक्शन तो आप ही का है एंड इफ़ यू लाइक दिस डिटेल्ड वीडियो डिटेल वीडियो बनाने का एक ही रीज़न है कि यार समझ में आना चाहिए है ना तो छोटे छोटे आई नो अभी शॉर्ट्स का जमाना है थोड़े छोटे छोटे वीडियो ज़्यादा चलते हैं बट ठीक है है ना तो इफ़ यू हैव लाइक इट तो लाइक like बटन करना शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट